जासु हृदय आगम
राम नाम सी सुमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। शिव जी ने समाधि तोड़ा, 87,000 साल तक समाधि में रहे। जब समाधि से बाहर आए, राम नाम का सुमरण करने लगे। सती जी को यह ज्ञात हुआ कि जगतपति महादेव जाग गए। जाय संभुपद वंदन कीना, सन्मुख संकर आसन दीना। जाकर शिव जी को नमन किया, भोलेनाथ ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। तभी देखा कि देवता लोग आकाश मार्ग से अपने अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं। सती जी ने पूछा कि हे महादेव, ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने बताया, देवी ये लोग सब आपके मैके जा रहे हैं। आपके पिता दक्ष एक महायज्ञ कर रहे हैं और उसी महायज्ञ में ये सब जा रहे हैं। हरिद्वार कनखल जा रहे हैं। पूछा, हम नहीं जाएंगे? भोलेनाथ ने कहा कि हमें बुलाया नहीं है तो कैसे जाएंगे? बोले, पिता का घर है, बुलाए या ना बुलाए, क्योंकि मां से मिले बहुत दिन हो गया, बहनों से भी मिलना हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए विनु बोले हु न संदेहा। मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु यदि कोई विरोध हो, कोई झगड़ा हो, तो इनके घर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न, इसलिए मत जाइए। और उस यज्ञ में शिव जी को क्यों नहीं बुलाया? तो कहते हैं, एक बार राजा दक्ष को प्रजापति का पद मिला। 33 कोटि देवता उनके स्वागत के लिए उन्होंने एक उत्सव रखा। सब उसमें पधारे, शिवजी भी पधारे, लेकिन भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। 32,99,99,999 देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, लेकिन भोलेनाथ समाधि में होने के कारण वो नहीं उठ पाए। ये देखकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरा ही जमाई और मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, तो मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और उस बदला लेने के लिए ही यज्ञ किया। कभी भी धार्मिक कार्य, यज्ञ हो, कथा हो, कोई पूजन हो, बदले के भाव से नहीं करना चाहिए। अगर बदले के भाव से करेंगे तो शुभ नहीं होगा, अनिष्ट ही होगा। और उन्होंने ये बदले से भाव से किया कि नहीं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं उससे बड़ा करके दिखाऊंगा, उससे नीचा दिखाऊंगा। इस भाव से यदि कथा पूजन यज्ञ किया जाए तो वो शुभ नहीं हो सकता। तो ये यज्ञ रखा उन्होंने कि मैं शिव जी को अपमानित करूंगा, उन्हें नहीं बुलाऊंगा, बाकी सबको बुलाऊंगा। दक्ष शब्द का अर्थ होता है कि जो प्रवीण हो, जो निष्णात हो, जो कुशल हो, जो इंटेलेक्चुअल हो, उसे दक्ष कहा जाता है। और इस संसार में जितने भी दक्ष होते हैं वो कभी भी वर्तमान का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इतनी तेज बुद्धि होती है कि भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं कि क्या होगा, और भूतकाल के दुखद घटनाओं को याद करते रहते हैं। साधारण बुद्धि वाले लोग वो आराम से जीते हैं, लेकिन दक्ष बुद्धि वाले कभी आराम से नहीं जीते हैं। हमेशा उनको ये परेशानी रहती है कि भविष्य में क्या होगा, पीछे उसने ऐसा क्यों बोला था, ऐसा क्यों हो गया था। एक घर में एक महात्मा गए,
बड़ा परिवार था, बड़े अमीर लोग व्यापारी थे। गृहिणी आई हंसते हुए आनंदित होकर। स्वामी जी ने पूछा, बेटी बहुत आनंदित हो, व्यापार ठीक चल रहा है? उसने कहा, बाबा आपकी कृपा है, 30 लाख का फायदा इस महीने हुआ है। तभी पति देव मुंह लटकाए हुए आए। स्वामी जी ने पूछा, बेटे क्या बात है, तबीयत खराब है? बोले, नहीं नहीं गुरुदेव, व्यापार में बहुत घाटा हो गया। पूछा, कितना घाटा हुआ? तो कहने लगे, 40 लाख का घाटा हो गया। पूछा कि आपकी पत्नी का और आपका व्यापार अलग अलग है? बोली, नहीं एक ही है। तो पत्नी तो कह रही है कि 30 लाख का फायदा हुआ है और आप कहते हैं 40 लाख का घाटा हुआ है। तो सेठ जी कहने लगे, बाबा मैंने सोचा था कि 70 लाख का फायदा होगा और सिर्फ 30 लाख का फायदा हुआ, तो 40 लाख के घाटे में आ गया ना मैं। मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पाता हूं, टेंशन बहुत है कि मुझे 40 लाख का घाटा हो गया। जो था ही नहीं, केवल सोच लिया कि इतना आ सकता है, पर नहीं भी आया, 30 तो आ गया है। अब उसकी चिंता में जो पड़े वो समझ लीजिए कि ये दक्ष होगा, क्योंकि यहां 33 कोटि देवताओं में से सिर्फ एक ने सम्मान नहीं किया, अपमानित नहीं किया, केवल उठकर सम्मान नहीं किया, तो बाकी ने जो सम्मान किया उसका आनंद ले लेते हैं, लेकिन बाकियों के सम्मान का आनंद भी दिमाग वाले आदमी नहीं ले पाते। जिस समाज में हम जीते हैं, 1000 लोग हो और 1000 में से यदि 999 लोगों ने हमें सत्कार किया, सम्मान किया, एक ने नहीं किया, तो साधारण आदमी तो खुश हो जाएगा, कम से कम 999 तो सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जो दिमाग वाले आदमी होंगे वो 999 का लाभ न लेके एक के पीछे पड़ जाएंगे, एक ने क्यों नहीं किया, अब मुझे टेंशन, में सो नहीं पा रहा हूं, एक ने क्यों नहीं किया। हमारी जिंदगी ऐसी ही उलझी हुई है। अरे जो मिल रहा है उसका आनंद लीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि जीवन बड़ा अमोल है और वर्तमान की परिभाषा भी लोग समझ नहीं पाते, पूरे दिन को वर्तमान मान लेते हैं, आने वाले कल को कल मानते हैं, भविष्य मानते हैं और गुजरे हुए कल को कल मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो पल हाथ में है वही वर्तमान है, आने वाला पल भी भविष्य है। किसी ने लिखा, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। जो बीत गया वो इतिहास हो गया, आने वाला भी रहस्य है, पता नहीं क्या लेके आएगा। जो हाथ में है वही उपहार है, उस उपहार का आनंद लीजिए, उस उपहार का पूरा आनंद लीजिए। तो दक्ष ने अपने उस ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, छोटी मानसिकता के कारण यज्ञ तो किया। यज्ञ कल्याणकारी होता है, शुभ होता है, सबके कल्याण के लिए किया जाता है। कभी भी धार्मिक कार्य और यज्ञ जैसे कृत्य किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जाता, ये सबके कल्याण के लिए होता है, और अगर ऐसा करेंगे तो अनिष्ट ही होगा। दक्ष के यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। संतों का मत है कि मनुष्यों के 6 महीने के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। 6 महीने के दिन गुजरे तो देवताओं का 1 दिन होता है और 6 महीने की रात्रि के बराबर देवताओं की 1 रात्रि होती है, और देवताओं के 1000 साल गुजरते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 पल होता है, और ब्रह्मा जी अनेकों बार चतुर्युग गुजार लेते हैं तो शिव जी का 1 पल होता है। उस 1 पल में कितने दक्ष आए और गए उनको क्या पता, कोई चींटी सेना लेके जा रही हो, चींटियों की सेना लेके, और सामने से हाथी गुजर रहा हो और बोले, हाथी मैं चींटियों का राजा, तूने मुझे नमस्कार नहीं किया, मारूंगी 1 लाख। चींटी कुछ भी करे, हाथी को क्या फर्क पड़ता है। तो सारे देवताओं के लिए इंतजाम है, शिव जी के लिए नहीं है। सती जी गई, जाकर यज्ञ देखा, यज्ञ तो बड़ा सुंदर था,
वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जाई सती जाई देखो तब जागा, कतहु न देख संभु कर भागा। शिव जी का स्थान कहीं भी नहीं था। ये देखकर सती जी अति क्रोधित हुई और उन्होंने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों, हे मुनियों, आप सुन लीजिए, जिसने भी शिव जी की निंदा कही हो अथवा सुनी हो, सो फल तरत लहब सबका हो, भली भांति पछताव पिताओ। उनको तुरंत फल मिलेगा और मेरे पिताजी तो भली भांति पछताएंगे। ऐसा कहकर सती जी ने प्राण त्याग दिए। कई लोग ये मानते हैं कि सती जी यज्ञ कुंड में गिर के जल गई, लेकिन शिवपुराण यहां तो इतनी ही घटना है, वर्णन यह आता है कि सती जी के शव को भगवान महादेव ने अपने कंधे पे उठाया, नंदी भृंगी ने यज्ञ ध्वंस कर दिया, शिव जी को खबर लगी, उन्होंने जटा पटकी और वीरभद्र पैदा हुए, वीरभद्रों ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और भोलेनाथ ने सती जी के शव को कंधे पे उठाया, लेकर चलने लगे। देवता परेशान, नारायण को बुलाया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र छोड़ा, एक एक अंग काटा गया और जहां जहां जो अंग गिरे वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। सती जी ने शरीर छोड़ दिया। भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है। हम ये नहीं मानते कि ये शरीर ही जीवन का अंत है, हम ये नहीं मानते कि हम शरीर ही है, बल्कि हम ये मानते हैं कि हम अजर अमर शाश्वत सनातन आत्मा है। शरीर वस्त्र की तरह है, जैसे वस्त्र फट जाए तो छोड़कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही शरीर पुराना हो जाए तो हम नए शरीर का धारण करते हैं। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जो जन्म होता है उसकी प्रक्रिया क्या है? कैसे जन्म मिलता है? तो ये समझ लेना कि आखिरी समय में जो भाव और चिंतन होता है उसके अनुरूप ही शरीर मिलता है, उसके अनुरूप ही घर मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन भर यदि भजन न भी कर पाए तो आखिरी में तो भगवान का नाम ले लूं, ताकि उसके हिसाब से आने वाला आपका जीवन ठीक हो जाए, या तो मोक्ष मिल जाए और मोक्ष न भी मिले, जन्म लेना पड़े तो कहीं अच्छी जगह जन्म हो जाए और जन्म लेने के बाद वो भाव बना रहे। लोग कहते हैं कि ये बच्चा इतने छोटे उम्र में इतना संगीत का ज्ञाता है, कोई कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्ञानी है, ये बच्चा बहुत समझदार है, अथवा कोई व्यक्ति बाल्यकाल में साधु बन गया। जैसे हम लोगों से भी लोग पूछते हैं कि बचपन में जब आपने घर छोड़ा तो घर की याद नहीं आई, मन में कभी विचार नहीं आया, तो सचमुच याद नहीं आई, कोई विचार भी नहीं आया, तो ये कैसे हुआ? आपने दर्जी को कपड़ा सीने के लिए दिया और सीते सीते कपड़ा सिल दिया और संध्या हो गई, सिर्फ बटन लगाना बाकी था, आयरन करना बाकी था, पैकिंग करना बाकी था, तब तक दुकान बंद करने का समय आ गया। उसने दुकान बंद कर दी, प्रातःकाल दुकान खोला और आप अपना कपड़ा लेने गए, तुरंत बटन लगाया, आयरन करके पैक करके दे दिया, तो आपके मन में विचार आए कि कितना एक्सपर्ट टेलर है कि तुरंत अभी 10 मिनट में इसने सिल के दे दिया। इसने 10 मिनट में नहीं सिला, ये कल सिल के रखा था, इसने कल सिल के रखा था, आज पैक करके दे दिया। ठीक वैसी ही जिंदगी है,
कि कोई बाल्यकाल से संत हो जाए, सारे सात्विक गुण उसके अंदर प्रकट होने लगे, बाल्यकाल से ज्ञानी हो जाए, या कोई बच्चा संगीतकार हो जाए, कोई बच्चा डांसर हो जाए, या कोई बच्चा विद्वान हो जाए, तो अभी का ज्ञान नहीं है, बल्कि दुकान बंद होने से पहले उसने कर लिया था और अभी दुकान खोलते ही सामने है। तो आखिरी तक संध्या में जो रहता है सुबह वही दिखता है। रात को सोते समय जो विचार लेकर हम सोते हैं, आप ख्याल रखना वही विचार लेकर हम प्रातःकाल उठते हैं। एक फिल्मी गीत सुनकर सोइए रात में, सुबह उसे ही गुनगुनाते हुए उठेंगे। एक भजन गाकर सुनकर सोइए, वो भजन गाते हुए ही नींद खुलेगी। और अगर रात में हॉरर फिल्म देख के सोइए, कोई मारा मारी वाली चीज देख के सोइए, रात में ईर्ष्या निंदा घृणा के विचार करके सोइए, तो उठते ही सिर दर्द रहेगा, वही विचार आते रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे। जो संध्या में होता है, जो रात्रि में होती है, प्रातः उसी से शुरू होती है। ठीक वैसे ही मरते समय आखिरी समय जो विचार या चिंतन रहता है, जिन चीजों के प्रति आकर्षण रहता है या विकर्षण रहता है, वैसा ही जन्म लेकर हम इस धरती पे आते हैं। भगवान बुद्ध का एक शिष्य, वो भी बौद्ध भिक्षु था, और बौद्ध भिक्षुओं को नियम था कि कोई भी दान मिले उसे आप ले लेंगे। तो किसी घर में दान लेने गए और वहां एक रेशम का शॉल उसे मिला। एक भिक्षु को रेशम का शॉल मिला और इतना सुंदर शॉल था कि उसे बड़ा लगाव हो गया। हमेशा गले से शॉल को लगाए रखता, कहीं नहीं जाता, सोए तो सिरहाने रखता, ध्यान रखता कि कोई लेके न भाग जाए। थोड़े दिन के बाद उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई। नियम ये भी था कि कोई बौद्ध भिक्षु मरे तो उसके सामानों को दूसरे बौद्ध भिक्षुओं में बांट दिया जाए। भगवान बुद्ध ने उसकी छड़ी, उसके कमंडल सब बांट दिया, लेकिन वो शॉल नहीं बांटा, शॉल रखवा लिया। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तथागत, क्या आपको ये शॉल चाहिए? क्यों आपने रख लिया? नियम टूट रहा है, आपने कहा जो भी हो बांट देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, एक घंटे की बात है, एक घंटे के बाद मैं इसे किसी को दे दूंगा, एक घंटे बाद आप सब आना। एक घंटे के बाद सब लोग आए और बुद्ध ने कहा कि शॉल को खोलकर देखो, इसमें कुछ है। देखा, उसमें एक छोटा सा कीड़ा था जिसे गांव में लोग चीलड़ कहते हैं, और उस चीलड़ को तो सब पूछने लगे कि क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा, यह हमारा बौद्ध भिक्षु है। हमारा बौद्ध भिक्षु शॉल से इतना आसक्त हो गया था कि एक जन्म उसे कीड़ा बन के पैदा होना पड़ा। एक घंटे में जन्म भी हुआ, तरुण अवस्था भी प्राप्त की, बुढ़ापा भी आया और ये मर भी गया, क्योंकि चीलड़ की उम्र इतनी ही होती है। लेकिन हम मनुष्य में हो, किसी दूसरे अन्य योनि में हो, मान लीजिए मच्छर में चले जाए तो मच्छर की उम्र कितनी होगी, चींटी में चले जाए तो चींटी की उम्र कितनी होगी, बहुत कम होगी। लेकिन उसके लिए पूरी जिंदगी है, पैदा होना, खेलना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब झेलना और फिर मर जाना। हमारे लिए मनुष्य योनि में ये 70-80 साल बड़ा लगता है, हमारी दृष्टि से उसकी उम्र कम दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके लिए तो पूरा जन्म ही है ना। तो एक जन्म केवल आसक्ति के कारण गंवा दिया। तो जिस चीज में हमारी आसक्ति होती है, हम तो किसी चीज में दिल लगा लेते हैं। भागवत कथा आपने सुनी होगी कि राजा जड़ भरत का दिल लग गया हिरण में, और एक जन्म हिरण बन के पैदा होना पड़ा। और हम आज न जाने किन किन चीजों में दिल लगा लेते हैं, पूरा जन्म जन्म खराब करने वाले हैं। एक दुकान पे एक बकरा, वो रोज चला आता था, दुकान वाला रोज उसकी पिटाई करे। एक दिन एक संत उधर से गुजरे तो दुकान वाले ने कहा कि बाबा,
आप दिव्य दृष्टि से देख के बताइए कि इस बकरे को इतनी पिटाई करता हूं लेकिन दुकान छोड़ के जाता नहीं। संत ने ध्यान लगाया और कहा कि बेटे ये बकरा नहीं तेरे पिताजी है, और इनका लगाव दुकान से इतना है कि बकरे में तो पैदा हो गए लेकिन अभी भी ख्याल आता है कि कहीं बेटा सस्ते में न बेच दे, कोई सामान सस्ते में न बेच दे, इसलिए ये दुकान पे खड़े रहते हैं। इसलिए अपने चिंतन और चित्त को संभाले रखना, ये जन्म तो जा ही रहा है, अगले जन्म क्या बनना पड़े कोई भरोसा नहीं। इसी नियम के अनुसार सती जी ने अंतिम समय में भगवान को याद किया और कहा कि हे प्रभु, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ। सती मरत हरि जन्म जन्म से पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय आखिरी में ये विचार रखा कि हे प्रभु, जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ। पार्वती जी के रूप में भवानी जगदम्बा आई और केवल कृपा से भवानी के सब समस्याओं का समाधान हो जाता है, और स्वयं साक्षात आ गई हो तो उस प्रदेश में मनियों की खाने प्रकट होने लगी, लोगों के विचार सात्विक होने लगे, शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी, ऋषि मुनि वहां जाकर रहने लगे और उनके रहने का इंतजाम हिमाचल करने लगे। नारद मुनि को एक कौतूहल हुआ कि भवानी आई है, चलकर देखे क्या हो रहा है। नारद सना चारे सब पाए